नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है। और सबसे पहले कोरोना अपडेट। पिछले 3 दिनों में कोरोना के मरीज लगातार सामने आए हैं। 3 दिनों में कुल 17 मरीज सामने आ चुके हैं इटारसी में। यदि हम जिले के अब तक के कोरोना मरीजों की संख्या पर नज़र डालें तो आंकड़ा 335 पर पहुंच गया है। हार्टफुलनेस संस्था 3 दिवसीय ध्यानोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इसमें बहुत सरल विधि से ध्यान करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से ब्राइट माइंड स्पेशल सेशन होगा। आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। संस्था से जुड़े गोलू मालवी ने बताया कि 14, 15 और 16 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यह कार्यक्रम होगा। आप इससे जुड़ने के लिए यूट्यूब लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आप कार्यक्रम से सीधे जुड़ जाएंगे। सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ आज BSNL के कर्मचारियों अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल उत्तराखंड के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने BSNL कर्मचारियों को देशद्रोही बोला था। इस बात से नाराज BSNL कर्मचारी अधिकारियों ने आज दोपहर में लंच टाइम के दौरान ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और माफ़ी मांगो हेगड़े के नारे लगाए। पंद्रह अगस्त पर आपको एक अनोखा गीत सुनने को मिलेगा जिसे शहर के जाने माने कलाकार अतुल शुक्ला ने तैयार किया है। यह इटारसी पर आधारित है और इसमें इटारसी से संबंधित खास जगहों को विशेष विषयों के साथ शामिल किया गया है। इस गीत के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गायक कुमार अतुल ने जो गीत तैयार किया है उसमें खास बात यह है कि जो बच्चे इसमें अभिनय कर रहे हैं, यदि आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको बेहद आश्चर्य होगा। ओझा बस्ती के कुछ बच्चे जो थोड़े दिन पहले तक टिकटॉक वीडियो बनाते थे, इन्होंने इस गीत में अपनी भूमिका निभाई है। कुमार अतुल ने बताया कि उन्होंने इटारसी के लिए गीत बनाने पर जब विचार किया और कलाकारों की खोजबीन की तब इन बच्चों के बारे में पता चला, इसलिए इन बच्चों को इस गीत में शामिल किया गया है। इसका प्रसारण 15 अगस्त पर यूट्यूब चैनल पर आप देख पाएंगे। इसमें भूमिका निभाने वाले नरेंद्र प्रजापति, राकेश यादव, जीतू भाट, राजा कहार, अनुराग कुजबंदिया, संजय निशा मालवी और कमल कहार हैं। नेहरू युवा केंद्र होशंगाबाद एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ग्राम भीलाखेड़ी में विवेकानंद यूथ क्लब द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने स्वच्छ भारत मिशन विषय पर अपनी चित्रकारी की, गंदगी मुक्त भारत विषय पर निबंध लेखन का भी आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नंदिनी चोरे, दूसरे स्थान पर राधिका चोरे कनक मालवीय और तीसरे स्थान पर कुमकुम मालवीय रोहिणी पटेल रही। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आकाश राजपूत, दूसरे पर कान्हा सोलंकी, तीसरे पर मन राजपूत वासु सोलंकी रहे। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रभारी राजेश मालवी, शेख यूनिस और अनिकेत दुबे मौजूद थे। बावई के गुजरबाड़ा में एक युवक की हत्या हो गई है। युवक को 4 लोगों ने मिलकर मारा है। गुजरबाड़ा के कोटवार सरकारी जमीन रोड पर रतिराम कहार पर शंकर कहार, बड्डा कहार, उसके पुत्र वीरू कहार और शेरू कहार ने मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे रतिराम की मौके पर ही मौत हो गई। तो खास खबरों के लिए देखते रहिए HBNN।